नमस्कार दोस्तों, वन इंडिया हिंदी में आप सभी का स्वागत है। इंग्लैंड और वेस्टइंडीज के बीच आखिरी टेस्ट मैच के तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक वेस्टइंडीज अपनी दूसरी पारी में 2 विकेट खोकर 10 रन बना लिए हैं। वेस्टइंडीज को अभी भी जीत के लिए 389 रन और बनाने हैं। बता दें, इंग्लैंड ने अपनी दूसरी पारी 2 विकेट पर 226 रन बनाकर घोषित कर दी, जिसके कारण वेस्टइंडीज को जीत के लिए 399 रनों का लक्ष्य मिला था। अभी भी 2 दिन का खेल बाकी है, ऐसे में वेस्टइंडीज को टेस्ट में हार और सीरीज में अपनी हार बचाने के लिए ये टेस्ट मैच हर हाल में जीतना होगा। वैसे माना जा रहा है कि इंग्लैंड की टीम ये टेस्ट मैच 4th दिन आसानी से जीत लेगी। इंग्लैंड की ओर से दूसरी पारी में रोरी बर्न्स ने सबसे ज्यादा 90 रन बनाए, तो वहीं डॉम सिबली ने 56 रनों की पारी खेली। इंग्लैंड के कप्तान जो रूट ने नाबाद 68 रनों की पारी खेली। इंग्लैंड की दूसरी पारी के दौरान एक बड़ा हादसा देखने को मिला। हुआ यूं कि इंग्लैंड की दूसरी पारी के 8वें ओवर में वेस्टइंडीज के तेज गेंदबाज शैनन गैब्रियल की तीसरी गेंद वेस्टइंडीज के विकेटकीपर शेन डॉरिज अच्छी तरीके से पकड़ नहीं पाए और गेंद सीधे जाकर उनके होंठों पर लगी। वो तो भला हो कि गेंद उनके सिर पर नहीं लगी, वरना एक बड़ा हादसा हो सकता था। हालांकि होंठ पर लगी चोट से डॉरिज परेशान नजर आए और जिसके बाद उनकी जगह शाई होप ने विकेट कीपिंग की जिम्मेदारी संभाली। बता दें, जब गेंद डॉरिज के होंठ पर लगी तो उनके होंठ से खून निकल रहा था, ऐसे में शाई होप को फिर विकेट कीपिंग की जिम्मेदारी संभालनी पड़ी। गेंद होंठ से टच हुई थी, जिसके कारण अंपायर ने गेंद को सैनिटाइज किया। गेंद को सैनिटाइज करने के बाद खेल फिर से शुरू हुआ। आपको बता दें, शैनन गैब्रियल की 140 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार की गेंद थी जो सीधे जाकर शेन डॉरिज के मुंह पर लगी थी। शेन डॉरिज इस पूरे सीरीज के दौरान विकेट कीपिंग को लेकर परेशानी में नजर आए हैं, क्योंकि इंग्लैंड में हम सभी जानते हैं कि गेंद विकेट के बाद भी हवा में घूमती है, जिससे विकेट कीपरों को गेंद को लपकने में खासा परेशानी होती है, और इस गेंद के साथ भी यही हुआ। बल्लेबाज को पार करने के बाद गेंद विकेट कीपर के पास आने से पहले काफ़ी तेजी से मुड़ गई और सीधे जाकर शेन डॉरिज के मुंह पर गेंद लग गई। पहली नज़र में ये काफ़ी घातक मामला नज़र आ रहा था। हालांकि शेन डॉरिज की चोट कितनी घातक है इस बारे में अभी तक कोई मेडिकल रिपोर्ट नहीं आई है, लेकिन चोट लगने के बाद वो तीसरे दिन दोबारा विकेट कीपिंग करने मैदान में नहीं आए। उनकी जगह पर जोशुआ डिसिल्वा को कीपिंग करते हुए देखा गया। अब देखना है 4th और 5वें दिन क्या शेन डॉरिज मैदान में रहते हैं या उनकी जगह जोशुआ डिसिल्वा ही विकेट कीपिंग करते हैं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें वन इंडिया।